वॉचिंग अलर्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और अलर्ट इंडिया न्यूज इस वक्त बनी में है। कठुआ जिला का पहाड़ी क्षेत्र है और आपको ये दिखाएंगे कि पिछले साल अलर्ट इंडिया न्यूज ने इस बाथरूम की जो है ये खबर की थी। आपको थोड़ा मैं जानकारी दे दूं, ये जो ये बाथरूम है कम्युनिटी बाथरूम्स है, ये J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये बनाए गए हैं। ये बाथरूम जो है जो लोग पहाड़ों से आते हैं और बनी में आते हैं, यहाँ पे कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, कोई भी मुसाफिर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ये उसके लिए बनाया गया था। पर इसकी जो हालत जब हमने पहली बार खबर चलाई थी, इसकी हालत जो थी वो बद से बदतर हो गई थी। साफ सफाई जो है अभियान शुरू किया है, उस अभियान के तहत जो है इस बाथरूम की जो है वो सफाई हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ नौजवान जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना था इस चीज को लेके। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है, मैं चाहती हूँ जो बनी का एक पिछड़ा वाला का है। मतलब क्या है, जैसे हम इस बाथरूम की बात पर चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, खासकर लेडीज को। मतलब क्या, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभियान चलाया है स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत ये मतलब के बाथरूम बनाया गया था, लेकिन चंद हालात की वजह से ये डैमेज हो गया था। तो मतलब कि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब के छोटे छोटे बच्चों को खुले में शौच करना पड़ता था, मतलब के लेडीज को प्रॉब्लम आ रही थी, जेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। कितनी प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पे आती थी जब ये बाथरूम नहीं था यहाँ पे? मतलब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि खासकर लेडीज को अगर मतलब कहीं पे शौच करना होता तो यहाँ पे जगह नहीं है, पूरा बाजार दुकानें भरी हुई है। मतलब जेंट्स तो आमतौर पर कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम तो लेडीज को आती थी और छोटे बच्चों को। मतलब कि अगर कहीं पे भी नीचे टूरिस्ट जाते थे तो बच्चे बोलते हमें टॉयलेट करना है, तो मतलब कि यहाँ पे जगह ही नहीं है, मतलब कि जगह ही नहीं है, छोटी जगह नहीं है। आपने सुना इस बच्ची का यही कहना है कि यहाँ पे इतनी दिक्कत आती थी क्योंकि बाथरूम तो था यहाँ पे, पर उसके जो है हालत जो है वो बाथरूम की ठीक नहीं थी। और उन्होंने, इस बच्ची ने जो है इन लोगों का धन्यवाद किया है कि जो लोग जो है इस बाथरूम को जो है वो ठीक कर रहे हैं और लोगों के काम जो है ये बाथरूम आएगा। हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ पे जो ये इसकी सफाई करवा रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी, आप हमें ये बताइए कहाँ से हैं आप? पहले आप मुझे ये बताइए ये बाथरूम की क्या काम चल रहा है यहाँ पे? रिपेयर करवा रहे हैं सर, सारे जो दुकानदार आटे वाले इकट्ठे होके पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, खर्चा आएगा वो देंगे। तो ये जब हमने पिछले साल न्यूज चलाई थी तो आपने देखी थी, तो उसके बाद जो है आप लोगों ने इस चीज को जो है साफ सफाई के लिए काम शुरू किया, तो क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? अच्छा है, सामने आ जाए कोई भी बात हो, अच्छा है, सबको पता चलेगा, डीसी साहब को पता चलेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी सबको पता चलेगा। तो ऐसे लगा जैसे कोई भी लेडीज बाहर बाथरूम जाती है तो लोग बुरी नजरों से देखते हैं, तो सबकी भाई बहनें होती है, माँ होती है, तो अच्छा नहीं लगता बाहर में बाथरूम करना। तो इसीलिए हमने सोचा कि फिर पैसे इकट्ठे करके हम खुद ही इसको साफ करवा लेंगे। नाम है आपका? अब्दुल कयूम जी, हमें ये बताइए कि कितनी दिक्कत जो है यहाँ पे? देखिए, स्वस्थ भारत मिशन का मतलब ये है कि हम खुद चंदा करके यहाँ बाथरूम जो है बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। नाम सरकार का और काम हम चंदा करके कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम है स्वस्थ भारत और चंदा करके हम बाथरूम साफ करवा रहे हैं। जब से ये बने आज तक इसमें मतलब किसने देखा भी नहीं, तो क्या करें फिर? अब हमने तो बनाया है, हम तो करें कुछ ना कुछ, बाकी सरकार का नाम ही है तो बस हम तो चंदा कर रहे हैं, और भी कहीं देखेंगे वहीं चंदा करके हमें बाथरूम बनाने पड़ेंगे। कहाँ रहते हैं आप? इस सीढ़ा में। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो कितने बाथरूम यहाँ बनेंगे? हमें तो यही दिखाई दे, ये भी दब गया था, ये भी निकाल रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता करके चंदा करके, और चंदा आएगा तो फिर थोड़ा दूर जाएंगे गाँव में चंदा करने के लिए, फिर इसका थोड़ा रिपेयर कराएंगे। अब फिर नाम का बाथरूम है, बाकी उसमें कुछ रहा नहीं है। आपने सुना कि किस तरह से अब्दुल कयूम जी ने ये बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो एक सरकार का बहुत बड़ा मिशन है, पर उसके नाम पे जो है पहाड़ी तहसील बनी में कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है। चंदा इकट्ठा करके जो है इस बाथरूम को जो है स्थानीय लोग जो है वो तैयार करवा रहे हैं। अलर्ट इंडिया न्यूज के संवाददाता हाफिज कुरैशी, उनसे बात करते हैं आम जनता की क्या मुश्किलें यहाँ पे आ रही हैं। जी हाफिज अरुण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अलर्ट इंडिया न्यूज का, जिस तरह से
पिछले वर्ष हमने यहाँ पर खबरें चले और लगातार भी मैंने बहुत बार यहाँ पर ये मुद्दे प्रशासन के सामने, यहाँ के पॉलिटिशियन लीडरों के सामने ये चीज़ें रखी कि यहाँ पर अगर इस समय दूरदराज के लोग जो हैं यहाँ पर बनी में आते हैं मेन टाउन में, उनको सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल आती है वो टॉयलेट कम्प्लेक्स को लेकर आती है, क्योंकि हालिया सरकार ने जो है SBM के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो एक बहुत बड़ी अच्छी मुहिम चलाई थी, लेकिन हम अगर बनी टाउन की बात करें, बनी टाउन मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से चलता रहा ये गंदगी का एक टाउन बन जाएगा, क्योंकि सेवा नदी के किनारे पर बहुत ज़्यादा इस समय गंदगी फैली हुई है और उसके आसपास जो नदी नाले हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ के प्रशासन और यहाँ के पॉलिटिशियन जितने भी नुमाइंदे हैं कि वो एक गहरी नींद में सोए, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बन्नी में क्या हो रहा है और मिट्टी के अंदर, और आज लोग खुद चंदा करके उसकी साफ सफाई करवा रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग करवा रही है, और मैं समझता हूँ वो सरकारें कहाँ हैं, वो प्रशासन कहाँ है जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के, साफ सफाई मुहिम के, वो आज कहाँ, वो लोग कहाँ, वो क्यों नहीं इस बन्नी की साफ सफाई के लिए आगे आते हैं। और हाल ही दिनों पहले SDM बन्नी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो मुहिम चलाया था ग्रीन बन्नी और करके, और क्लीन बनी और ग्रीन बनी करके मुहिम चलाई थी, और उन्होंने सेवा नदी के आसपास कुछ हद तक जो है सफाई की थी, पर उसके बाद मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग आज कहाँ हैं, क्यों नहीं इस बनी की तरक्की के लिए आगे आ रहे हैं। बनी की जो खूबसूरती है वो आस्ता आस्ता मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो रही हो, इसलिए क्योंकि बनी टोन के आसपास के जो नदी नाले हैं, बनी टोन का जो मेन सेवन नदी है उसके नदी के किनारों पर आज अगर देखें आप तो बहुत ज़्यादा हो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि अगर लोग दूर दराज से आते हैं उनको सब फैसिलिटी जो है यहाँ पर प्रोवाइड तो हो जाती है, लेकिन एक मेन कारण जो है, मेन जो दिक्कत उनको मुश्किल जो आ रही है वो यही इसी लेकर आ रही है कि अगर वो बाथरूम करने के लिए जाएं, टॉयलेट करने के लिए जाएं, तो कहाँ जाएंगे, वो तो सेवन नदी या आसपास जो नदी नाले उनमें जाएंगे, और वहाँ पर जब वो जाएंगे जाहिर सी बात है गंदगी को फैलेगी, ये बस सबसे बड़ी जो है वो दिक्कत आ रही है। और लोग जो है, मैं उनकी सराहना करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को जिन्होंने चंदा करके इस कम्युनिटी बाथरूम को जो है साफ सफाई करवाई और यहाँ पर इसको रिपेयरिंग करवाने का जो काम शुरू किया हुआ। यूनिकैरिटी जो है अब इस रियासत को जो है बनाया गया है, और मुझे लगता है कि सीधा और सीधा जो है अब सेंटर सरकार जो है उसकी निगरानी में ये जो है हमारा इलाका रहेगा। और मैं चाहूँगा, मैं ये डिमांड करना चाहूँगा सरकार से और प्रशासन से कम बन्नी टोन को म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो है वो लाए जाए, ताकि जिस तरह से हम देखते हैं शहरों में कि म्यूनसिपल कमेटी जो बहुत ज़्यादा जो तरक्की करवाती है आम शहरों में, वो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें देखने को मिले, और जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है इस टोन के लिए। आपने सुना स्वच्छ भारत मिशन, बहुत बड़ा मिशन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है, पर करोड़ों रुपया जो है उसकी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा जा रहा है, पर कठुआ जिला का पहाड़ी तहसील बनी स्वच्छ भारत मिशन से वंचित है। अब देखना ये होगा इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है और स्वच्छ भारत मिशन बनी में कितनी तेजी से जो है वो फैलता है। अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज, बनी। Alert India News.